है कि ऐसा स्वागत पाकिस्तान कर रहा है। जी हाँ, आतंकी का स्वागत, ऐसा स्वागत आपने देखा नहीं होगा। पाकिस्तान को खाने पीने के लाले पड़े हुए और आतंकियों का स्वागत करने के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। देखिए पैसे कैसे खर्चे किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा स्वागत हो रहा है, ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे पता नहीं कौन पहुंच गया, पता नहीं किस तरह की मदद मिलने वाली है। जबकि यह भगौड़ा है और भारत से जिसे जिसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है, ऐसा लगता है कि आतंकिस्तान उन्हें बुलाकर उनकी आवभगत करने का मौका देखता है। भले पैसे ना हो, इस पर खर्चा करने से पहले नहीं सोच रहे, आवाम का पैसा निकालने से पहले सोचते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहर फैलाएगा जाकिर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर 20 दिन का कार्यक्रम है भाई, कि पाकिस्तान में इस तरह से देखिए आतंक को प्रायोजित तो करता ही था, अब स्वागत भी करने लगा है। जाकिर नायक हेट स्पीच के जरिए लोगों को बांटने की बात करता आया है। उसे भारत में कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा है जिसमें नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल है। वो साल 2016 में मलेशिया भाग गया था और तब से एक भगोड़ा है। आज पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को फिर से चिढ़ाने की, भारत में मोस्ट वांटेड टेरर फंडिंग का आरोपी कट्टरपंथी इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक अब पाकिस्तान का मेहमान बन गया है। वो पाकिस्तान की हुकूमत के गेस्ट के तौर पर वहां के शहरों में लोगों को इस्लामिक कट्टरपंथ की सीख देगा। क्या पाकिस्तान को ऐसे शख्स को अपने यहां बुलाना चाहिए या नहीं? मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन, मीडिया एंड इस्लाम, वॉर और पीस। मीडिया एक बहुत अहम जरिया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इनफैक्ट इट इज एन इंपॉर्टेंट वेपन। ये एक अहम हथियार है, मीडिया से दिन को रात में तब्दील किया जा सकता है, सफेद को काले में, बुरे को अच्छे में, हीरो को विलन में और विलन को हीरो में। ये है मीडिया की ताकत। मीडिया इतना ताकतवर है कि अच्छे को बुरा साबित कर सकता है, बुरे को अच्छा, हीरो को विलन और विलन को हीरो। इसके लिए आसान है, काले को सफेद, सफेद को काला, दिन को रात, रात को दिन। ये मीडिया की ताकत है। आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वीडियो मीडिया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, बुक्स हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, हम देख रहे हैं देयर इज विरुलेंट प्रोपेगेंडा। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैला रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे एज दो द एग्जेम्पलरी मुस्लिम्स। ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान है। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं, तो चंद मुसलमान जो इस्लाम के राह से भटक गए उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है, 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए, उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है,
अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए, आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है, तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और यह सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुबहाना व ताला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पसमंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आम तौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही है अमेरिका यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आम तौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी, वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, और कहता है कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है?
और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपा सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है कहेंगे अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपा सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमन पसंद मजहब है, अमन हमेशा बेहतर है। तो मीडिया अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देती है और इस्लाम को बदनाम करती है। तीसरी स्ट्रेटजी, तीसरा तरीका जो इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करता है वो है, वो कुछ इस्लाम के अल्फाज या कुरान में से कुछ अल्फाज लेती है और उसका गलत तर्जुमा करती है और इस्लाम को बदनाम करती है। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत ने इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद, इट मींस टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिबे इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में
पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले चार मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के है। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकाम पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हरबु मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हरबु मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाइत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। ये है मीडिया का पावर। एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद, 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूँ, तो अक्सर मैं बाहर जाता हूँ तो सूट और टाई पहनता हूँ, लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी टोपी दाढ़ी ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई टोपी दाढ़ी ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं, क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है? तो इमिग्रेशन में हाँ दाढ़ी टोपी ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए? तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है? तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू, आप हक को फैलाओ। मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी टोपी, बैग को खोलो। बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशत गर्दी, एक इस्लामिक नजरिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं? मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते? मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो तो वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो, तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहा मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं? तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके, आप डरिए मत मैं जरा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेजबान घबर जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवा इम बनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर
या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आए थे, कितनी झगड़ने के आए थे, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो हमें कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 तालविला कलिमतिन सवा इम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवद गीता, भगवद गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43-46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवद गीता एक मशोरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवद गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43-46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ू। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच जो रिश्तेदार थे, जो कजन से। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोक के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए, हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड, ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए, हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट, आप नपुंसक कैसे बन गए। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31-33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिया का धर्म है लड़ना, भाग्यवान है वो क्षत्रिया जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला देके ये कहूं कि भगवद गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो तो ये शैतानी हरकत होंगी। पसमंदर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे हैं बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पसमंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो। और ये कुरान में भी कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुभान व तआला, हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुभाना व ताला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में, वो सही बुखारी की हदीस है जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोज़ा रख रहा है, और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते, मुजाहिद जिहाद करो जन्नत में जाओ। भगवद गीता जब पढ़ते हैं
भगवद गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवद गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवा इबैन न उबैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। बात करते हैं मीडिया की। मीडिया असल में है क्या? ये मीडिया आजकल एक फितना बन चुका है, एक ऐसा फितना जो सच को झूठ में बदल देता है और झूठ को सच में, और इसका असर इतना है कि छोटे से छोटा बच्चे को लेकर बड़े से बड़े तक हर एक को इस मीडिया ने मुतासिर किया है। टिकटॉक स्टार बन गया, यूट्यूबर बन गया, इतना बड़ा स्टार बन गया, फेसबुक स्टार बन गया, ये सब कुछ एक मीडिया के ज़रिए बंदा ऊपर पहुंच जाता है। कभी कभी ये मीडिया इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देता है, और कभी कभी ये मीडिया उसी इंसान को आसमान से नीचे ज़मीन तक लेकर आता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जाकिर नायक की। यही मीडिया है जो डॉक्टर जाकिर नायक के गुण गाते थे, डॉक्टर जाकिर नायक ऐसा है, इतने लोगों को मुसलमान किया और इस्लाम का सिपाही है और ये है और वो है, बहुत एक हीरो बना देता है। मैं असल में इंडिया मीडिया के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जो वीडियो आपने देखा और जिस किस्म के गलीज अल्फाज और जिस किस्म के गलीज अलकाबात ये इंडिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनसे बड़ा नमक हराम ही कोई नहीं। एक बंदा जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो और बहुत सारा वक्त आपके मुल्क में उसने बिताया हो, आपके आंखों के सामने, ये भी नहीं कि किसी बंद कमरे में बल्कि कैमरे के सामने, सैटेलाइट के सामने हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान कर चुका हो, जिसने सारी उम्र एक बात का हुक्म दिया हो, एक दीन की तबलीग किया हो, लोगों को एतराज़ात और उसको जवाबात दिए हो, तो आप कैसे उस आदमी को आतंकवाद कह सकते हैं? अगर आपको दो कौमी नज़रिया याद हो तो दो कौमी नज़रिए का मतलब भी यही है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक जुदागाना कौमें हैं, इनकी तहजीब, इनके तमद्दुन और इनके रस्म व रिवाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यही वजह है कि इंडिया में आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो जाकिर नायक के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं, वजह सिर्फ यही है कि वो मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहता है और लोगों को इस्लाम की दावत देता है। ये सिर्फ डॉक्टर जाकिर नायक का मसला नहीं बल्कि ये तमाम मुसलमान लफ्ज़ का मसला है। जब भी आपके ऊपर मुसलमान लफ्ज़, मुसलमान का नाम लगेगा, मुसलमान का लफ्ज़ आपके ऊपर आएगा तो दुनिया आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो यहूदी मीडिया, जो दजाली मीडिया, ये आपके अगेंस्ट होगी, ये आपके फेवर में कभी भी नहीं बोलेगी। डॉक्टर जाकिर नायक की मिसाल ले ले, इसने दीन की कितनी खिदमत की, कितने लोगों को मुसलमान किया, कितनी जगहों में दावत दिया, और जब इंडिया से निकाला गया तो ज़रा उसको भी आप देखें कि किस वजह से उसको निकाला गया। इंडिया के मीडिया और इंडिया की हुकूमत ने ख़ुद डॉक्टर जाकिर नायक को निकाला, और इस बात का जिक्र डॉक्टर जाकिर नायक ख़ुद एक वीडियो में कर चुके हैं कि मुझ पर इंडिया गवर्नमेंट ने यह दबाव डाला कि आप आर्टिकल 307 उसकी आप हिमायत करें। तो मैंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, सिर्फ यही वजह है कि उसको भारत से निकाल दिया गया। लेकिन इन्नल अर्दा वासिया, अल्लाह ताला की ज़मीन बड़ी है, छोटे नहीं। वो पहुंच गए मलेशिया, मलेशिया वालों ने पुरपाक इस्तकबाल किया डॉक्टर जाकिर नायक का, उनको रहने की जगह दी, और आजकल माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में आए हैं, तकरीबन 3-4 दिन गुजारेंगे, मुख्तलिफ बयानात करेंगे और पाकिस्तानी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फ़ायदा उठाए। उसके बाद आपने डॉक्टर जाकिर नायक का बयान भी सुना मीडिया के हवाले से कि ये मीडिया आपको क्या दिखाना चाह रहा है।
मीडिया आजकल उसका किरदार बहुत अहम रहा है। ये आपको हमेशा सच से झूठ बनाता है और झूठ से आपको सच बना देता है। इसी मीडिया की वजह से अमन का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर कहीं पर अमन भी हो तो जब आप मीडिया लगा ले, दहशतगर्दों ने ये किया वो किया, इतने बीमारियां फैल गई, ये हो गया, तो ये जब आप देखेंगे तो इससे आपका बीपी भी लो होगा, आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, मुख्तलिफ बीमारियां, टेंशन, ये सब चीज़ें, ये सब जो इस मीडिया की वजह से आते हैं। तो मीडिया के फ़ायदे भी ज़्यादा है लेकिन नुकसानात उससे भी ज़्यादा है। और एक चीज़ के अगर नुकसानात ज़्यादा हो और फ़ायदे कम हो तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंडिया की मीडिया वालों से मेरी यही गुजारिश है कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पुराने दौर को भूल गए, उसकी खिदमत को भूल गए। आपके कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बारे में उनकी वीडियोस भी मौजूद है कि वतन से मोहब्बत ईमान का तकाजा है, ईमान और वतन दोनों मेरे लिए बहुत बराबर है। लेकिन पता नहीं कि इंडिया मीडिया को क्या हो जाता है, ये कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि बंदे का दिमाग उलट जाता है कि यार ये क्या कह रहे, ये क्या बक रहे। तो वो बात बहुत मशहूर है कि चांद कभी उंगली से नहीं चुभता। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मिसाल चांद है, उसको आप एक उंगली से या एक झूठ से आप उसको दबा नहीं सकते। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जो इज़्ज़त जिसको चाहे अल्लाह इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत और रसवाई देता है। तो अगर ये तमाम मीडिया भी खिलाफ हो जाए और बकवासात करे तो उससे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि तमाम मुसलमान जानते हैं कि जो बंदा दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हो तो ये यहूदी लाबी और उसकी पैदा करदा मीडिया ये हमेशा उनके खिलाफ रहेगा। लेकिन हम भी हर वक्त डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सपोर्ट में रहेंगे। वी सपोर्ट डॉक्टर ज़ाकिर नाइक टिल डेथ। सो भाइयों दोस्तों, कोशिश करो कि ऐसे प्रोपेगेंडों पर आप कान ना धरें और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हिमायत और इनकी सपोर्ट आप करते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।